अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सट्रीम जी एफ एक्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम फोटोशॉप में न्यूरल फिल्टर्स को किस तरह से एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं अपनी फोटो एडिटिंग में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फोटोशॉप ओपन कर लेते हैं। मेरे पास इस वक्त फोटोशॉप 2021 इंस्टॉल्ड है। यहाँ पे फाइल ओपन कर लेते हैं। आप इसकी जगह पे कोई भी इमेज ओपन कर सकते हैं, मैं इसे ही ओपन कर लेता हूँ। तो ये इमेज ओपन हो चुका है। मैं यहाँ पे टाइम आपका वेस्ट नहीं करूंगा, जस्ट टू द पॉइंट वीडियो है, पूरी देखिएगा। तो यहाँ पे आपने फिल्टर्स में जाना है। फिल्टर्स में जाने के बाद न्यूरल फिल्टर्स ओपन कर लेने हैं। हेलो, हैव यू सब्सक्राइब्ड एक्सट्रीम जीएफएक्स? इफ नॉट, प्लीज डू इट नाउ। यहाँ फर्स्ट हमारे पास टू फिल्टर मिल जाते हैं, एक स्किन स्मूथनिंग है और हमारे पास स्टाइल ट्रांसफर है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा स्किन स्मूथनिंग फिल्टर की हेल्प लेते हुए इनकी जो है वो स्किन को थोड़ा स्मूथ कर लेते हैं। मैं इसको ऑन कर लेता हूँ और इसकी वैल्यू, ब्लर की वैल्यू आप थोड़ी सी इंक्रीज कर दें, जितनी आपको मुनासिब लगे आपने उतनी वैल्यू इसकी सेट कर लेनी है। मुझे इसकी वैल्यू ये ठीक लग रही है और इसकी सॉफ्टनेस भी थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं यहाँ से। ओके, सो फार सो गुड। इसके बाद ये फिल्टर है, अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं तो मैं इसका यूजेज बता देता हूँ। फिलहाल मैं इसको यूज नहीं करने वाला इसकी एडिटिंग में, मैं इसको टर्न ऑन कर लेता हूँ। ये देखिए मेरे पास फोर स्टाइल्स हैं यहाँ पे, मैं जिसको भी यूटिलाइज करना चाहता हूँ कर सकता हूँ। ये प्रोसेसिंग हो रही थी हमारी इमेज की, इसको स्टाइल चेंज भी कर सकते हैं आप। मैं बारी बारी आपको सारे स्टाइल्स चेक करवा देता हूँ। ये देखिए इस तरह का आर्ट वर्क आप बना सकते हैं। और इसके अलावा इसको मैं अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास जितने भी आर्ट वर्क है मैंने आपको सारे ट्राई करवा दिए हैं। ये वाला लास्ट में देख लेते हैं। ये मैंने एग्जांपल के तौर पे सारे आर्ट वर्क आपको बारी बारी टेस्ट करवा दिए हैं। फिलहाल के लिए मैं ये इफेक्ट यूज नहीं करने वाला स्टाइल ट्रांसफर का, मैं इसको टर्न ऑफ कर लेता हूँ। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पे बीटा फिल्टर की तरफ। बीटा फिल्टर में अभी तक मुझे जो काम का फिल्टर मिला है वो जस्ट स्मार्ट पोर्ट्रेट फिल्टर है, इसी को ही मैं यहाँ पे एवेल्युएट करूंगा। और बाकी तमाम फिल्टर्स इसके बिल्कुल अभी इनिशियल स्टेज पे हैं, परफेक्टली वर्क नहीं करते, तो इसलिए हम इन फिल्टर की तरफ नहीं जाएंगे। बस मैं यहाँ पे आपको स्मार्ट फिल्टर की एक्सप्लेनेशन बता दूंगा कि किस तरह से आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी पिक्चर एडिटिंग में। तो इसको टर्न ऑन कर लेते हैं। फर्स्ट इसकी ऑप्शन है एक्सप्रेशंस की। एक्सप्रेशंस आप हैप्पीनेस, सरप्राइज और एंगर वाले चेंज कर सकते हैं। मुझे ये फोटो फिलहाल ऐसे पसंद है, लेकिन फिर भी मैं टेस्टिंग पर्पस से आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस चेक करवा देता हूँ। इसकी हैप्पीनेस थोड़ी सी इंक्रीज करते हैं यहाँ पे। ये देखिए हमारे पास हैप्पीनेस के एक्सप्रेशंस जो है वो इंक्रीज हो गए हैं। इस तरह आप सरप्राइज भी इंक्रीज कर सकते हैं, एंगर भी। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे इसको हैप्पीनेस को बैक लेके आते हैं जीरो पे ही, और यहाँ पे मैं एंगर आपको जरा इंक्रीज करके चेक करवाऊ। ये देखिए इस तरह के कुछ एक्सप्रेशंस आपको मिलेंगे, बहुत ज्यादा बुरा रिजल्ट नहीं है। मैं यहाँ पे फिलहाल इसको जीरो ही कर लेता हूँ, जस्ट मैं आपको टेस्टिंग पर्पस के लिहाज से वैल्यूज चेंज करके दिखा रहा था। और यहाँ पे सरप्राइज की अगर एक्सप्रेशंस मैं इंक्रीज करूँ तो ये देखिए इस तरह का कुछ मैं रिजल्ट मिला है। इसको भी मैं जीरो फिलहाल वैल्यू साइन कर देता हूँ यहाँ पे। अब आते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ। तो सब्जेक्ट में हमारे पास एज मिल जाती है, गेज यानी कि आई डायरेक्शन मिल जाती है, हेयर थिकनेस मिल जाती है, हेड डायरेक्शन एंड लाइट डायरेक्शन। तो इन सभी ऑप्शन को हम बारी बारी चेक करके देख लेते हैं और अपनी फोटो को किस तरह से हम बेहतर बना सकते हैं। फेशियल एज मैं इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर देता हूँ, बल्कि पूरा ही इसमें रिड्यूस कर देते हैं, देखते हैं हमें क्या रिजल्ट मिलता है। ओ वाओ, ये देखिए इंस्टेंटली हमें यहाँ पे रिजल्ट मिल गया है और काफी बेहतर है रिजल्ट। इसके बाद यहाँ पे गेज की वैल्यू चेंज करके मैं आपको टेस्ट करवाता हूँ। लेट्स सपोज मैं आई की डायरेक्शन यहाँ पे टुवर्ड्स राइट जा रहा हूँ थोड़ा सा, तो यहाँ पे चेंज करके देखते हैं कैसा रिजल्ट मिलता है। ये देखिए और मजीद भी हम राइट साइड पे डायरेक्शन कर सकते हैं इसकी इस तरह से। और अगर आपको ये पसंद नहीं आ रहा तो आप दोबारा इसकी वैल्यू जीरो पे भी सेट कर सकते हैं, या आप लेफ्ट साइड पे जाना चाहते हैं तो लेफ्ट साइड पे आप जाएंगे तो इस साइड पे हो जाएगी डायरेक्शन आईज की। ये देखिए तो मैं फिलहाल इसको जीरो पे ही रखता हूँ, आई डायरेक्शन यहाँ पे मुझे चेंज नहीं करनी। सो फार सो गुड। एंड यहाँ पे हेयर थिकनेस पे आते हैं, हेयर थिकनेस यहाँ पे मैं इंक्रीज कर देता हूँ इसकी। ये देखिए मोर यंगर लुक यहाँ पे हमें मिल गई है हेयर थिकनेस इंक्रीज करने से। और यहाँ पे हेड की डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हैं, मैं वैसे चेंज करना नहीं चाह रहा, लेकिन जस्ट डेमोन्स्ट्रेशन के पर्पज से मैं यहाँ पे हेड की डायरेक्शन चेंज करके चेक करवा देता हूँ आपको, टूवर्ड्स राइट एंड टूवर्ड्स लेफ्ट। इस तरह से आप हेड की डायरेक्शन भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। मुझे फिलहाल हेड की डायरेक्शन चेंज नहीं करनी, मैं इसको जीरो पे ही रखता हूँ।
इसमें मैं आपको सजेशन देना चाहूंगा कि आपने बहुत ज्यादा एक्सट्रीम वैल्यूज यूज नहीं करनी, जिन वैल्यूज पे आपको अच्छा रिजल्ट मिल रहा है तो आपने उन्हीं वैल्यूज के साथ स्टिक हो जाना है। तो मैं यहाँ पे लाइट ट्रैक्शन भी आपको टेस्ट करवा देता हूँ, वैसे मैंने इसको भी चेंज नहीं करना, टूवर्ड्स राइट और टूवर्ड्स लेफ्ट। यहाँ पे हमारे पास ये देखिए रिजल्ट जो है आपको टेस्ट करवा दिए हैं, अभी मैं इसको जीरो पे ले आता हूँ, ठीक हो गया। तो ये थी हमारे पास तमाम ऑप्शंस न्यूरल फिल्टर से रिलेटेड, बहुत ही अच्छी यहाँ पे अपडेट है ये फोटोशॉप की जो रिसेंटली इन्होंने लेटेस्ट वर्जन 2021 में ऐड की है। मैं इसको यहाँ पे ओके कर देता हूँ और अब हम कंपेयर कर लेते हैं रिजल्ट को बिफोर एंड आफ्टर। ये देखिए इट्स बिफोर एडिटिंग ये हमारे पास लुक थी एंड इट्स आफ्टर एडिंग न्यूरल फिल्टर्स। आई होप सो कि आपको भी ये रिजल्ट पसंद आया होगा इन न्यूरल फिल्टर्स का और आज की ये वीडियो भी काफी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर इस चैनल पे न्यू है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। लास्ट में बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड होती है तो फौरी तौर पर आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।